क्यों आखिर मॉब लिंचिंग किसी ऊंचे वर्ग के इंसान के साथ नहीं होती है, क्यों नहीं होती किसी राजपूत किसी ब्राह्मण के साथ, हमेशा दलितों के साथ हमेशा मुसलमानों के साथ ही मॉब लिंचिंग हम क्यों देखते हैं? उसने शाहीन बाग वालों के लिए उसका अपना खुद का चैनल, उसमें इतनी गंदी गंदी बातें करी हुई है शाहीन बाग वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। देखिए राजस्थान में जो दलितों के साथ हिंसा हुई है वो पहली बात तो उसको सुनकर भी बहुत बुरा लगता है, सुनकर भी हम सोचते हैं कि अरे क्या हो रहा है दलितों के साथ, उनके प्राइवेट पार्ट्स को इंजर्ड किया जा रहा है, उनको प्राइवेट पार्ट्स पे उनके क्या कहते हैं उनको तेजाब डाला जा रहा है, उनको ख़राब किया जा रहा है, उनके साथ ये हो रहा है। फिर उसके बाद हम बिहार में देख ले तो बिहार में भी दलितों के साथ यही हुआ है, वहाँ पर जो राजपूत समाज के लोग थे उन्होंने घर में घुस के उनके किसी के हाथ तोड़ दिए, उनके घर जला दिए गए दलितों के साथ। और हमारी जो सरकार है उनका जो पूरा एजेंडा है वो सिर्फ इसीलिए चल रहा है कि आप दलितों को मुसलमानों को किस तरह से दबाएंगे, अगर दलितों की जगह ही वहाँ पर कोई और लोग होते तो वहाँ पर इतना बुरी तरह उनसे बर्ताव नहीं होता, पर क्योंकि वो दलित हैं इसलिए उनके साथ इस तरह का बर्ताव हो रहा है। और अगर सरकारें इतना ही अच्छा काम कर रही हैं दलितों के लिए या फिर मुसलमानों के लिए या फिर हमारे देश के लिए, तो आज हमारे देश के ऐसे हालात क्यों हैं कि हमें जगह जगह प्रोटेस्ट करने पड़ रहे हैं? और अगर हम ये बोलते हैं कि आप सबको सेम मानते हैं जैसे सरकार बोलती है कि हमारे लिए सब बराबर हैं, तो आखिर दलितों के साथ इतनी तकड़ी तरीके से मॉब लिंचिंग क्यों हो रही है? क्यों आखिर मॉब लिंचिंग किसी ऊंचे वर्ग के इंसान के साथ नहीं होती है, क्यों नहीं होती किसी राजपूत किसी ब्राह्मण के साथ, हमेशा दलितों के साथ हमेशा मुसलमानों के साथ ही मॉब लिंचिंग हम क्यों देखते हैं? राजस्थान की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, गुजरात की बात कर लीजिए, दलितों के साथ आज इतना बुरा हो रहा है, उनके घर में से लड़कियों को उठा के ले लिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, तो उसके साथ बलात्कार करके उनको कोई सजा नहीं मिलती है, फिर उनको सजा भी होती है तो कुछ दिन में वो वापस आ जाते हैं और फिर से उस लड़की के साथ बलात्कार करते हैं और उस लड़की को जला के मार देते हैं, फिर भी उनको कोई सजा नहीं होती है। हमारा कानून आज इतना कमजोर हो गया है कि लोग इतनी बढ़ चढ़ के रेप कर रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं लड़कियों के साथ, उनको इतना दबा रहे हैं, तब भी हमारा कानून आज कुछ भी नहीं कर रहा है। 21 सेंचुरी में दलितों के साथ इस तरह की हिंसा मुझे नहीं लगता है कि किसी भी तरीके से शोभनीय है, इसके बावजूद भी सरकारें चुप। सरकारें तो अपनी नाकामयाबी पे चुप है, सरकारें नाकाम है, हमारी नाकारा है सरकार, ये बीजेपी सरकार सिर्फ मनुस्मृति की सोच है और ऐसा ही है विपक्ष भी हमेशा चुप बैठा रहता है। क्यों आखिर जब दलितों के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं और जो अभी हुआ वो तो कांग्रेस सरकार में भी हुआ है दलितों के साथ, तो आखिर जब आपको पता है कांग्रेस सरकार हो या बीजेपी सरकार हो सब एक थाली के चट्टे बट्टे हैं, हमें मानना होगा पहले भी लोग मनुस्मृति के सोच के थे पर अब जो वो आ गए हैं वो डबल मनुस्मृति के सोच के हो गए हैं। और चाहे तो वो दलितों की बात कर रहे हैं ना हम, तो दलितों के साथ ऐसी ऐसी बातें भी सामने आती है ना कि आप सोच भी नहीं सकते उतना बुरा हो रहा है, जो मीडिया की लाती ही नहीं है, जो लोगों को पता ही नहीं चलता है, उनकी लड़कियों को उठा के लेकर जाता है, उनके जो लड़के हैं उनको इम्पोर्टेंट कर दिया जाता है तुम्हारी जात ना बढ़ सके ताकि दलित और ज़्यादा पैदा ना हो सके, इस तरह की सोच को उसमें भर दिया जाता है, तो आखिर इतना नफरत क्यों है? तो नफरत इसलिए है क्योंकि आरक्षण की वजह से दलित जो है वो आगे बढ़कर इसी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, इसी सरकार के सामने आगे खड़े हैं और वो कह रहे हैं कि आप कुछ गलत करेंगे तो हम आपके सामने खड़े होंगे, तो इसलिए वो डर रहे हैं, डरपोक बनी हुई है सरकार, इसलिए वो डरते हैं कि अगर ये छोटा वर्ग हम जैसे सो कॉल्ड ऊंचे वर्ग पे अगर हम पे ही सवाल उठाएगा तो हमारी बेइज्जती होगी, तो इसीलिए ये सरकार दलितों को दबाने में लगी हुई है। कहा जा रहा है कि हिंसा में आरएसएस और बजरंग दल के लोग शामिल। देखिए आज दलितों के साथ जो भी होता है या फिर मुस्लिम्स के साथ जो भी होता है मॉब लिंचिंग का, तो उसमें आरएसएस के और बजरंग दल के ही लोग होते हैं, ये सबसे मेन बात है। जितना भी जो अगर बजरंग दल आरएसएस के नए भी होते हैं ना, तो वो उनकी सोच वाले लोग होते हैं, जो ऐसा सोचता है वो ही ऐसा करता है। जैसे राम भक्त गोपाल जो अभी जिसने जामिया में जो काम किया उसने एक लड़के को गोली मारी, उसने भी ये लिखा कि मैं हिंदू हूँ मैं ऊंचे वर्ग का हूँ, उसने भी अपनी फेसबुक आईडी में इतना सब कुछ लिखा हुआ था, उसकी भी सोच आरएसएस वाली थी। जो दीपक शर्मा है आपने उसको देखा, उसके साथ उसका फोटो था दीपक शर्मा का, जो हाँ जिसको मतलब जो बहुत बड़ा चमचा है और इनको मोदी जी इनको फॉलो कर
करते हैं ट्विटर पे दीपक शर्मा को, जब ऐसे लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करेंगे तो आप खुद सोचिए कि हमारे भारत के हालात क्या हो जाएंगे। जब अभी एक लड़की जो शाहीन बाग में बिरयानी खाती पकड़ी गई, जो उसने अपना कैमरा लगा रखा था अंदर गुपचुप करके बुर्का पहनकर जो गई, अभी गुंजन नाम था उसका, गुंजा कपूर नाम था उसका, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। मतलब ये सोचिए, उसने शाहीन बाग वालों के लिए, उसका अपना खुद का चैनल, उसमें इतनी गंदी गंदी बातें करी हुई है शाहीन बाग वालों के लिए, मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, उसको हमारे प्रधानमंत्री जी फॉलो करते हैं। तो आप खुद ही सोचिए कि उनकी सोच कैसी होगी। ये मनुस्मृति की सोच है, उसी को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं, तभी दलितों के साथ, मुसलमानों के साथ इतना बुरा बर्ताव कर रहे हैं। क्या दलितों और मुसलमानों की वजूद है हिंदुस्तान में खतरे में? देखिए, खतरे में नहीं है, खतरे में ये सरकार है, इसीलिए दलितों को और मुसलमानों को दबा रही है। बस ये हर मुमकिन कोशिश कर रही है दलितों को और मुसलमानों को दबाने के लिए, क्योंकि आज यही वर्ग है, दलित और मुसलमान ही वर्ग है ऐसा, जो इनके खिलाफ आवाज उठा रहा है, इनकी नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है। सो कॉल्ड ब्राह्मण तबका इनके खिलाफ आवाज उठाने नहीं आता, ठीक है, सिर्फ दलित और मुस्लिम, चाहे तो हम JNU में देख लीजिए, जामिया में देख लीजिए, AMU में देख लीजिए, हर जगह मुस्लिम और दलित वर्ग ही पढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, उस चीज से ही आगे बढ़ रहे हैं, और उस चीज से, उसके वजह से, आरक्षण की वजह से हो या फिर इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की वजह से ही आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार डरी हुई है इन लोगों से, इसलिए इनको दबाने की कोशिश कर रही है, और दबाने की वजह से हर मुमकिन इनके ऊपर, चाहे तो हम अपराध कर लें, मॉब लिंचिंग कह लें, इनके साथ बलात्कार कर लें, इनको चुप कराने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जा रही है यहाँ पर। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था इक्वालिटी की बात वो लगातार कर रहे हैं, संभव है? देखिए, इक्वालिटी हम भले ही हम कह लें कि क्या कहते हैं आप इक्वालिटी की, अगर ये बोले कि हाँ इक्वालिटी, इनके समाज में तो नहीं है इक्वालिटी। इनकी जो सरकार, जो हमारी बीजेपी सरकार है या नरेंद्र मोदी है, उनके दिमाग में तो इक्वालिटी नहीं है। बट हाँ, अगर हम रियल देखें, हम सच्चाई देखें, तो हम जैसे लोग, मैं एक हिंदू लड़की हूँ, तो आज हम देखें तो सारे के सारे लोग आज बराबरी से चल रहे हैं। आज कश्मीर का प्रोटेस्ट हो रहा है, तो इसमें बहुत सारे दलित, बहुत सारे हिंदू, सभी पूरा तबका आया हुआ है। तो हमारे अंदर जो दिल में है इक्वालिटी, तभी जो हिंदू वर्ग भी है ना, तभी दिल्ली में उन्होंने इस सरकार को वोट नहीं दिया और इतनी बुरी तरह हराया है। दिल्ली में मुस्लिम इलाके बहुत कम है, मुस्लिम सीट्स बहुत कम है, सारी जो सीट्स है वो हिंदू सीट है, पर तब भी सिर्फ इनको 8 सीटें मिली है, इनकी इतनी बुरी हार हुई है दिल्ली में। तो अगर आप कहें कि इक्वालिटी नहीं है, तो हमारे अगर नॉर्मल लोगों से पूछे, आम जनता से पूछे, तो उनके लिए सब बराबर है। पर अगर आप सो कॉल्ड ब्राह्मण तबके से पूछेंगे या ऊंचे वर्ग से पूछेंगे, तो मुझे लगता है उनके लिए इक्वालिटी कभी भी नहीं होगी, उनके लिए वो ही हमेशा ऊंचे रहेंगे। क्या ये RSS के लोगों में एक बड़ी साजिश होती है क्या, बीजेपी के लोगों में, टारगेट करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। देखिए, पूरा का पूरा एजेंडा इसी चीज पे चल रहा है कि हम हिंदू राष्ट्र बना दें। पूरा का पूरा ये सब जो चल रहा है यहाँ पर, हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही चल रहा है। आप किसानों के साथ देख लीजिए कितनी आत्महत्याएं करते हैं, उनके लिए कुछ नहीं होता है, क्योंकि वो दलित पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता है। मतलब कितना भी हर तरफ, हर कोने में अगर हम झांक कर देखें, तो यहाँ पर जो है ये हिंदू राष्ट्र बनाने के चक्कर में है, हर जगह इनके भगवादारी। अगर आपके लिए हिंदुस्तान सब कुछ है, आपके लिए हिंदुस्तान सब कुछ है, तो आखिर आपकी रैलियों में या कहीं पे भी तिरंगा झंडा क्यों नहीं लहराया जाता? आप हमेशा भगवादारी झंडा ही क्यों लहराते हैं? आप जय श्री राम के नारे क्यों लगाते हैं? हमें भी पता है राम जी हमारे हैं, हमें भी पता है जय श्री राम होता है, भारत हिंदुस्तान जिंदाबाद होता है। क्यों आप आखिर लोगों से या मुसलमानों से ही बुलवाते हैं, क्यों दलितों से बुलवाते हैं कि आप हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलिए? आप होते कौन है ये बुलवाने वाले? तो इनका सिर्फ मुद्दा जो है वो हिंदू राष्ट्र पे आके अटक गया है, इसीलिए ये सिर्फ दलितों को और मुसलमानों को, क्योंकि इनको लगता है, क्योंकि ये जो दलित है मुसलमान है बहुत ऊंचा वर्ग, मतलब बहुत सारी संख्या में है, 85% लोग हैं, बहुत बड़ी संख्या में है, इसीलिए इनसे डरे हुए हैं, क्योंकि ये बहुत छोटी सी संख्या में है, जो ब्राह्मण तबका हो बहुत छोटी सी संख्या में है, और SC ST OBC और उसके बाद माइनॉरिटीज को मिला दे तो हम 85% होता है, तो बहुत ज्यादा हमारा जो वर्ग है पूरा इन लोगों में है। तो इसी के वजह से ये इन्हीं लोगों को दबाना चाहते हैं कि ना ये लोग उठेंगे, ना आगे बढ़ेंगे, ना ही हमारे खिलाफ आवाज उठा पाएंगे। टारगेट जो लगातार दलित या माइनॉरिटी तबका को किया जा रहा है, वो आपस में ये लोग मिलकर क्या किस तरह से इंसान इनका मुकाबला कर रहे हैं? देखिए, मुकाबला कर रहे हैं, चाहे तो हम शाहीन
बाग ले लीजिए, इंदर लोग देख लीजिए, जामिया हो, जेएनयू हो, वहाँ पर सारे दलित मुसलमान, वहाँ भी हमले हो रहे हैं, क्या करें? देखिए, पर देखिए हमारे कितने भी हमले हुए हो पर लोगों की संख्या और बढ़ती जा रही है, वहाँ पर कम नहीं हो रही है। चाहे तो हम कश्मीर इश्यूज पे देख लीजिए, शाहीन बाग में, जामिया में गोलियां तक चल गई हैं, पर वहाँ के लोग बिल्कुल भी नहीं डरे हैं और एक होते जा रहे हैं। चाहे तो हिंदू भी हो ना, वहाँ पर ऊंचा तबका भी हो, वो भी उनके साथ मिलकर आज काम कर रहा है। मुझे लगता है कि इस तरह की तानाशाही वाली सरकार को अगर हराना है, आपको पीछे करना है, तो आपको इसी तरह से आगे मिलकर सबको साथ मिलकर प्रोटेस्ट करने होंगे, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, उनको इसी तरह प्रोटेस्ट करने होंगे, तभी इस सरकार से हम मुकाबला कर पाएंगे। वरना ये सरकार जिस तरह से तानाशाही कर रही है उस तरह से ही हमेशा तानाशाही करते रहेगी।